So hello guys, welcome back to the channel. This is Raghav Vyas and in today's video I want to share the negatives about this vehicle. Later time जो मैंने feel करा है उसमें काफ़ी differences है. ये गाड़ी जितनी looking में premium है, engine के specs है, powerful लगते हैं, वो actual ground report मैं आपको देने जा रहा हूँ कि वो वाकई में इतना actual है या नहीं. जो मेरे भाई लोग हैं जो एक प्रीमियम हैचबैक लेना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो क्या चीज़ें ऐसी है जो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है या फिर मारुति को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी जो नहीं है इस गाड़ी में. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. सबसे नंबर वन जो है मेरे को इस गाड़ी में कमी खलती है, गाड़ी के अंदर डीजल इंजन नहीं मिलता है. ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी का. लुकिंग में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, लुकिंग बोल्ड है, इसकी जो है मतलब प्रीमियमनेस है वो वाकई में काफ़ी लाजवाब है. बट इस गाड़ी को अगर कोई लेना चाहता है बट वो जो ओनर है वो मतलब एक्चुअल में उस गाड़ी को डीजल ही पसंद करता है तो इस गाड़ी के अंदर जो है डीजल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है. द सेकंड थिंग इज़ कि इंजन के अंदर जो ट्रांसमिशन है उसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं. अपने पास में हुंडई में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं बट इस गाड़ी के अंदर जो है ट्रांसमिशन का भी इशू रहने वाले हैं. हालांकि इसके राइवल्स के साथ में जो है IMT CVT मतलब भर भर के ऑप्शंस मिल जाते हैं बट इस गाड़ी के अंदर जो है ट्रांसमिशन का भी इशू रहने वाला है. तो इस गाड़ी के अंदर जो है मेजर मिसिंग है एनर्जी आपको नहीं मिलेगी. अगर आप जो है मतलब हाईवे एंथुजियास्ट है, अगर आप जो है व्हीकल को मतलब उसकी एनर्जी से नाप तोल करते हैं, इस गाड़ी के अंदर जो है पावर, पिकअप, टॉर्क वगैरह सारी चीज़ मिल जाती है. बट अगर आप ओवरटेकिंग वगैरह करते हैं या फिर गाड़ी जो पूरी आपकी जो है लोडेड है तो इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो लैग फील होगा आपको और आपको लगेगा यार वाकई में क्या हो रहा है, मतलब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ गाड़ी को, एक्सेलरेशन पूरा है बट जो है इंस्टेंट जो आपको ना क्विक जो एक एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी इस गाड़ी में. हालांकि वो इसके राइवल्स के साथ में भी सेम ही इशू रहने वाला है बट इस गाड़ी के अंदर जो है मेजर मिसिंग मेरे को सबसे ज़्यादा यही चीज़ खल रही है यार, मतलब पावर है का एक्चुअली के आसपास मतलब 1200-1500 किलोमीटर के आसपास चला ही है बट अभी जो मैंने मेजर यही मिस करा है कि यार इंस्टेंट मतलब पिकअप तो छोड़ो बट आपको जो है ओवरटेकिंग करने में भी कभी कभी परेशानी आ सकती है. तो वाकई में यार इंजन जो है इसका नेचुरली एस्पिरेटेड ड्यूअल जेट इंजन है बट पता नहीं वो मेरे को फील नहीं हुआ यार एक्चुअल में यह प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये था फर्स्ट जो है मेरा इंजन का. और सेकंड अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो ये गाड़ी जितनी मतलब आपको बोल्ड, अग्रेसिव और एकदम फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है, इसका जो लुक है सबको पसंद आता है बट यार मारुति की एक बात में मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि इस गाड़ी ने मतलब इसको फेस लिफ्ट करा है, क्वालिटी को काफ़ी सुधारा है, ये वाकई में दिख भी रहा है बट इसकी फिट एंड फिनिश जो है अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं है. मतलब आप इसके वाइपर को चला कर देख लीजिए, वाइपर जो है प्रॉपरली वाइप ही नहीं कर पा रहा है, आपका जो विंडशील्ड है उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहा वाइपर इसकी, मतलब एकदम लूज़ फिट है मतलब एकदम. और आप अगर इसको देखोगे नीचे बम्पर को तो ये मतलब यहाँ पे जो एकदम नेक टू नेक फिट भी नहीं है. अगर मैं अंदर केबिन के अंदर जाके बात करूँ तो जो सारी फिटिंग है मतलब एकदम हार्ड प्लास्टिक और अजीब सा मतलब वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील हो रही है बट जब अपन एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक वो इंटेक्ट सा जो फीलिंग आती है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है. वो मतलब कहीं ना कहीं ये गाड़ी मिस करती है और इसके राइवल जो पूरा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट जो है मैं थर्ड इस अगर इस गाड़ी की बात करूं तो वो है इसकी स्टेबिलिटी. मतलब हाईवे पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को, मतलब अगर थोड़ा सा हाई स्पीड में अगर ये गाड़ी है तो इसका जो है स्टेयरिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा है इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी स्टेयरिंग की जो है काफ़ी ज़्यादा कम है. ये हाईवे पे स्टिफ नहीं होता है और इसके चलते मतलब 100-120 पे इस गाड़ी में डर सा लगता है कि यार मतलब एक्चुअली ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है. तो ये थोड़ा सा मेजर सा इशू है इस गाड़ी के साथ में. तो ये थर्ड जो था मेरा ये मेन रीज़न था. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगर मैं बात करूँ इसकी तो सेफ्टी यार इसका मेजर कंसर्न अभी भी वही बना हुआ है. गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट हुए, फेसलिफ्ट हुआ तो वाकई में उसका मतलब गाड़ी का जो है दिख रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं बट इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने होने चाहिए. आफ्टर फेसलिफ्ट भी इतनी दमदार सी दिखाई नहीं दे रही है जितनी की होनी चाहिए. मतलब इसका जो है अभी भी आप देख लीजिए मतलब बोनेट और फ्रंट डोर की अगर मैं इसके अलावा छोड़ दूँ तो ये गाड़ी में उतना ही मतलब इसका जो मतलब आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ सुन सकते हैं तो मतलब इतनी मजबूती इस गाड़ी को नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए. वही सेम हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई गाड़ी तो मारुति पता नहीं इस चीज़ को क्यों इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा है. सारे फीचर्स इसमें जो बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सुधरी है बट मैं मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि इसकी गाड़ी की यार एकदम जो है आप फील फ्री होकर गाड़ी को चला पाएंगे क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में सुधार
ठीक है, वैल्यू फॉर मनी ठीक है, बट यार ह्यूमन वैल्यू भी तो कोई चीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ अगर कंसिडर करें तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अभी भी जो है इतनी दमदार नहीं है जितनी कि मतलब टाटा की है। टाटा से अगर कंपेयर करें तो मतलब कहीं आसपास भी नहीं है, बट हालांकि इस गाड़ी को थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो इसके फीचर्स, जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गाड़ी में मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब काबिल तारीफ़ है, बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेजर मिसिंग है। अब जस्ट लाइक कि मतलब अगर एक प्रीमियम हैचबैक की बात करें तो मतलब इसके राइवल्स है वो मतलब सनरूफ दे रहे हैं और इस गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जर्स में नहीं आता, वायरलेस कनेक्टिविटी इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है। इनके सिग्मा और डेल्टा में जो लाइट काफ़ी ज़्यादा वीक मिलती है इसमें, और हाईवे पर तो ये पता ही नहीं चलता है कि अगर रोड लाइट्स वगैरह चल रही तो पता ही नहीं चल रहा है इसकी लाइट चल भी रही या नहीं चल रही है। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मतलब मारुति को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ थी। तो ऑलमोस्ट ये था यार मेरे को 3-4 चीज़ों से जो शिकायत थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएँ, तो नेक्स्ट आपके लिए और अच्छी सी वीडियो आती रहेगी। तो ओवर एंड आउट, बाय।